चलिए बात करते हैं जियो फाइबर के बारे में। मतलब कि कुछ महीनों पहले अराउंड सितंबर में आप लोगों को पता चल गया था कि जियो फाइबर के प्लान्स आए थे, और उसके बाद भी जो जियो फाइबर है ना, वो उसके बाद जो भी फ्री ऑफर था ना, वो उसका कंटिन्यू रहा था। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि जो फ्री ऑफर है ना, वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। यानी कि अगर आप जियो फाइबर की ऐप यूज़ कर रहे हो, मतलब जियो फाइबर के कस्टमर, और अगर माई जियो ऐप में जाते हो ना, तो वहाँ पर अगर आप रिचार्ज के सेक्शन में जाओगे तो जो फ्री रिचार्ज जैसे 100 GB और 40 GB वाले ना, वो कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं। और आपको जो नए प्लान्स है ना, वो देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि जो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये जो प्लान्स बनाए थे ना जियो ने, जो आपको पहले देखने को मिले थे, वही प्लान्स आज के समय में वही एलिजिबल है और जियो उनका रोल आउट कर रहा है। करेंटली काफी सारे लोग हैं जो अभी भी फ्री ऑफर का यूज कर रहे हैं, और फाइनल डेट आ चुकी है, वो है अराउंड 31 दिसंबर के बाद। यानी कि 1 जनवरी से जितने भी फ्री ऑफर्स होंगे ना, ऑलमोस्ट सभी खत्म हो जाएंगे। तो हो सकता है कि अगर आपका कोई रिचार्ज बचा है, जो पुराने 40 GB वाले रिचार्जेस बचे हुए हैं अभी आपने करे होंगे पहले, तो उनका आप अभी लंबे समय तक यूज कर सकते हो 31 दिसंबर तक। अगर नहीं किया तो होपफुली हो सकता है कि आपका अभी पेड प्लान्स में आ गया हो। अगर हम वही बात करें पेड प्लान्स की ना, तो ये एग्जैक्टली वही प्लान्स है जो आपको कुछ समय पहले देखने को मिलते हैं, यानी कि इनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और अगर ओवरऑल बात करें ना, तो जो जियो मज़ा है ना, वो नहीं आ रहा कि मतलब जो जियो से एक्सपेक्टेशन थी कि हमें कोई डिस्ट्रप्टिव देखने को मिलेगा, या फिर एक उम्मीद थी कि हमें और अच्छे प्लान्स देखने को मिल सकते हैं, वो अब नहीं है। मतलब कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर ज़्यादा लोग अगर ऑप्ट ना करें प्लान्स के लिए, तो हो सकता है कि जियो क्या करेगा कि और अच्छे प्लान्स लेके आएगा जिसका लोग यूज़ कर सकते हैं। करंट स्टेट में बता देता हूँ अभी क्या होने वाला है कि सिर्फ 2 महीनों के लिए, यानी कि अगर आप कोई नया जियो फाइबर का कनेक्शन लेता है आज के समय में, तो 2 महीनों के लिए वो फ्री में यूज़ कर सकता है, उसके बाद उसे किसी ना किसी पेड प्लान में मूव करना पड़ता है। और वही बात करें, एक और अच्छी बात है कि सिल्वर, गोल्ड के ऊपर जितने भी प्लान्स हैं ना, अगर आप उनमें अगर ऑप्ट करते हो ना, तो आपको एक फ्री सेट टॉप बॉक्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सेट टॉप बॉक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली वो एक स्मॉल सेट टॉप बॉक्स है, वो उसके अंदर क्या आएगा कि अगर आप किसी भी प्लान में अगर अप्लाई करते हो ना, तो आपको एक क्लेम का ऑप्शन आएगा माई जियो के अंदर, आपको उसे बस क्लेम करना, और जैसे अगर आप उसे क्लेम कर लोगे ना, तो आपके घर पर वो डिलीवर हो जाएगा। आपको उसे मतलब कनेक्ट कर देना अपनी टीवी से, और एक्चुअली वो एक एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स है, यानी कि एंड्रॉयड की जो एओएसपी होती है वो है, ना कि वो एंड्रॉइड टीवी चला रहा है। और उसके अंदर आप कुछ एप्लीकेशंस का मजा ले सकते हो, लेकिन खास बात नोटिस करने वाली है कि उसके अंदर अभी भी प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स का सपोर्ट नहीं है। उसके अंदर आपको बेसिक ऐप्स देखने को मिल, जैसे हॉटस्टार, सोनी लिव देखने को मिलती है, जियो सिनेमा देखने को मिल रही है, यूट्यूब की ऐप है, ये अच्छा काम किया उन्होंने। और 4K कंटेंट देखने है तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब के थ्रू ही देख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। मतलब 4K सेट टॉप बॉक्स है, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। और वहीं बात करें कौन कौन सी OTT सर्विसेज का उसके अंदर यूज कर रखा है, तो ऑब्वियसली हॉटस्टार, सोनी लिव, जियो सिनेमा और वूट करेंटली मिल रही है। इसके अलावा Z5 और सननेक्स का सपोर्ट आने वाले समय में आएगा, यानी कि इन एप्लीकेशंस के जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं ना, उसका मजा ले सकते हो, जो कि थोड़े महंगे प्लान्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर। अगर वहीं बात करें लाइव टीवी की, तो लाइव टीवी में आपको बता देना चाहता हूं कि जो पहले ऐसा लग रहा था ना कि उनका जो डेमो उन्होंने दिखाया था कि उसके अंदर जो था टीवी के, जो टीवी चल रहा था ना, वो इंटरनेट के थ्रू चल रहा था, यानी कि लाइव टीवी ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे आपकी जियो टीवी की ऐप में चलता है। लेकिन अभी एग्जैक्टली क्या कि आपका जो नॉर्मल केबल ऑपरेटर है, जैसे हाथवे या डेन ले ले, या फिर सिटी केबल या ये सब ले ले, इनके अंदर उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनकी जो केबल होगी ना, वो सेट टॉप बॉक्स के अंदर आएगी, और आप उसके अंदर चैनल्स को चेंज कर सकते हो, और वो नहीं लाइव टीवी चैनल्स को देख सकते जिन्हें आप करेंटली अभी देख रहे थे। मतलब कि जो अभी नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स है ना, उसी को रिप्लेस कर देगा, वही चैनल देखने पड़ेंगे, और उन चैनल्स के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि पहले तो ऑब्वियसली जो डेटा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम दे रहे थे, और अभी ये चैनल्स भी नहीं दे रहे फ्री में, और ऑब्वियसली खास तौर पे ऐसी OTT एप्स भी नहीं दे रहे, डेटा कम दे रहे, तो ओवरऑल देख के लगता नहीं कि उतना ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। इसके साथ एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि जो लोग पेड प्लान्स में मूव हो गए ना, तो उनको जो अपलोड स्पीड मिल रही है ना, वो 1/10 मिल रही है, यानी कि फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है। और किसी ने अगर 100 MBPS का प्लान लिया, मतलब कि ऑब्वियसली सबसे सस्ता प्लान ही 100 MBPS का, अगर किसी ने वो लिया, तो अपलोड स्पीड सिर्फ 10 MBPS मिल रही है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी सामने देखने को मिली है। और ये देख के मेरे को लगता है कि ओवरऑल जो लग रहा था कि कुछ अच्छा हो सकता है, या फिर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क आएगा, हाई स्पीड इंटरनेट का लोग मजा ले पाएंगे, तो वो चीज है ना, मेरे को कुछ खास दमदार नहीं लगी। मतलब पर्सनली मेरे को ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट 1000 रुपए के ऊपर जितने भी प्लान देते हैं ना ये लोग, एटलीस्ट उसमें आपको अनलिमिटेड डेटा देते, भले ये फालतू की जो सर्विसेज और जो एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं ना, उन्हें ना देखे, ये जो डेटा है ना, उसकी क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ा देते, उसे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कर देते। फिलहाल उन्होंने
ऐसा करा नहीं। और जो सबसे सस्ता प्लान है एग्जैक्टली वो 200 रुपये वाला प्लान है जिसके अंदर आपको 7 दिन के लिए 100 Mbps पे 1000 GB मिलता है। वो कोई शॉर्ट टर्म बेसिस पे किसी को अगर यूज़ करना है तो कर ले, लेकिन मेरी नज़र में वो भी कोई काम का प्लान नहीं है, कुछ ऐसा कुछ खास मज़ेदार नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो जियो फाइबर है ना, अगर इन प्लान्स को वो सुधारता नहीं है तो मेरे हिसाब से फ्लॉप है। और जो लोग जियो फाइबर लेने का सोच रहे थे या फिर लेने वाले हो या फिर ले चुके हो, तो पहले बात कर लेते हैं जो लोग ले चुके हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा ओपिनियन ये है कि अगर जियो फाइबर का अगर आप यूज़ कर रहे हो, फ्री चल रहा है तो चलाते रहो, जैसे ही वो पेड हो जाए मैं सजेस्ट करूंगा कि बंद करके रख दो, उसे रिटर्न करने का कोई अभी फ़ायदा नहीं है। अभी आप क्या करो, उस पर रिचार्ज मत करो। हो सकता है कि अगर ज़्यादातर लोग ऐसे करें, यानी कि अगर मेजॉरिटी अगर जियो फाइबर के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो प्रीव्यू ऑफर में चला रहे थे अगर वो पेड प्लान्स के ऊपर स्विच ना करें, तो हो सकता है मजबूर होकर जियो को और सस्ते प्लान्स लाने पड़े। एक ये तरीका अपन लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप नए प्लान, नए यूज़र हो, नए जियो फाइबर का लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली अगर 2 महीने का फ्री ऑफर अगर आपको मिल रहा है, यानी कि 2 महीने अगर आप फ्री में इंटरनेट चला सकते हो 2500 रुपये देके, ऑब्वियसली वो चला दो। हो सकता है कि 2 महीने के बाद आपको और अच्छे प्लान्स देखने को मिल जाए। अगर फिर भी अगर आपको अच्छे प्लान्स देखने को ना मिले तो मेरा सजेशन ये होगा कि उसे रिटर्न करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि तब की स्टेट हम देख लेंगे। या फिर तब भी मैं ये कहूँगा कि उसका कोई रिचार्ज वगैरह मत करो, उसे भी संभाल के सेट टॉप बॉक्स को रख दो, 6-8 महीने बाद में बेच देना अगर प्लान्स अगर अच्छे नहीं आते तो। और ये देख के लग रहा है कि जो जियो जो करना चाह रही है ना वो ढंग से कर नहीं पा रही। ना ही पहले ऐसा लग रहा था कि टीवी मार्केट को डिस्टर्ब करेगी, फाइबर इंटरनेट को डिस्टर्ब करेगी, कुछ ना कुछ हमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही। इवन सेट टॉप बॉक्स भी है ना बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, कुछ खास नहीं है। मेरे को लगता नहीं कि उसके अंदर आपको शायद वाइडबैंड L1 का सपोर्ट भी देखने को मिलता होगा। ऑब्वियसली उसके अंदर प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स जैसी जो प्रीमियम सर्विस वो देखने को नहीं मिल रही, और जो OTT सर्विसेज का वादा किया था उसके अंदर प्राइम वीडियो भी नहीं दे रहे लोग। मतलब कम से कम नेटफ्लिक्स का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन देते जो एडिशनल इतना, मतलब इतना चार्ज कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा आपको इसके अंदर। सीरियसली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज लगी। और जो इंटरनेट है ना उसकी स्पीड तो अच्छी दी है, बट कनेक्टिविटी यानी कि जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा कम दिया है। ऊपर से एक और चीज जो मेरे को पसंद नहीं है वो ये है कि अपलोड स्पीड, यानी कि अगर अपलोड स्पीड 110 दे रहा हो ना तो पर्सनली मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हो। मतलब अगर मैं वीडियो अपलोड करना चाहता हूं तो मैं कितना वेट करूंगा। मतलब कि 100 Mbps का प्लान अगर कोई यूट्यूबर अगर यूज़ करता है ना तो उसको अपलोडिंग के लिए भी यूज़ करिए, ताकि उसका जो वीडियो वो जल्दी अपलोड हो जाए, उसी का फायदा होगा उसके अंदर। अगर आप अपलोड स्पीड ही नहीं दे रहे तो उसका क्या मतलब हुआ। तो देखा जाए तो यार ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी। और अब जाके देखा है वो फ्री ऑफर खत्म हो गया है। करेंटली मेरा थोड़ा कुछ दिन का बचा हुआ है, कुछ डेटा बचा हुआ तो कुछ दिन मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद जो पुराना ऑपरेटर था मेरा 50 Mbps वाला कनेक्शन उस पर मूव कर जाऊँगा। और ये देख के लग रहा है कि जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स होते हैं, जो दूसरी कंपनीज होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है इस कैटेगरी में। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपकी वो फाइबर इंटरनेट यूज़ ही करना है और अगर आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है तो ही इसका रिचार्ज करें, और नहीं है अगर आपके पास एक भी ऑप्शन और फ्री भी अगर ले रखा है तो मैं सर्च करूँगा एक ऑल्टरनेटिव ढूंढे, इसको अभी कुछ समय के लिए बंद करके रख दें। और यही है मतलब कि अगर ज़्यादातर लोग अगर एक साथ रिचार्जेस नहीं कराएंगे और उन्हें अगर उनके जो फ्री सब्सक्राइबर है जो प्रीव्यू वाले हैं अगर उनमें से मेजॉरिटी लोग अगर उनके पेड कस्टमर्स नहीं बनते ना, तो मुझे लगता है कि आगे चल के मजबूरन उन्हें ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। देखते हैं एग्जैक्टली क्या रहता है, कहानी अभी बहुत बड़ी है। 2020 आने दो, मेरे को लगता है कि जियो कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि जियो है ना, हो सकता है उनसे अभी गलती हो गई हो, 2020 में मौका है गलती सुधारने के लिए होपफुली। वैसे देखा है तो जियो है ना अब वो थोड़ी महंगी तो होती हुई जा रही है। वैसे मोबाइल डेटा के रेट्स भी बात करें ना तो उसके पहले से ज़्यादा महंगे हुए, लेकिन अभी भी दूसरों से सस्ते हैं। तो हो सकता है कि जियो फाइबर के साथ ऐसा कुछ होता है, होप सो। देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता ही दूंगा इस वीडियो पे, मतलब इस चैनल पे आपको सबसे पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। और अगर इसके आगे बढ़ के बात करें सैमसंग के बारे में, तो सैमसंग की मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी वो था कि 1 मिलियन यूनिट सोल्ड हुई गैलेक्सी फोल्ड की। एक्चुअली उसमें थोड़ा करेक्शन है, एक्चुअली थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था एक वेबसाइट ही टेक क्रंच उनके बीच में और सैमसंग के बीच में। उन्होंने भी शायद ये बोला था कि उनका टारगेट है 1 मिलियन बेचने का, और किसी ने गलती से सुन लिया कि उन्होंने 1 मिलियन बेच दिए और इसीलिए न्यूज सर्कुलेट हो गई। एक्चुअली में 1 मिलियन गैलेक्सी फोल्ड नहीं बिके हैं, थोड़े कम बिके, उन्होंने तकरीबन 1 मिलियन या फिर 500,000 यानी कि अराउंड 5 लाख यूनिट सोल्ड करने का एक प्लान बनाया था। वैसे देखा जाए तो इंडिया में 1,65,000 का
का आता है, डिस्काउंट के बाद भी 1.5 लाख का मिलेगा, जिसको लेना है ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ लगती है, ड्यूरेबल इतनी ज़्यादा नहीं है, स्क्रीन पर आसानी से स्क्रैचेज आ सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो गैलेक्सी फोल्ड है ना उनमें आज भी दिक्कत आ रही है, यानी कि सैमसंग ने रिपेयर करके भेजा लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं कि गैलेक्सी फोल्ड 2 जब गैलेक्सी S11 के साथ आने वाला है, क्या सैमसंग उस केस में ये जो सारी प्रॉब्लम्स उनको फिक्स कर पाती या नहीं कर पाती, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखने वाली बात होगी। इसके साथ ये भी देखना है कि मोटो रेजर जब वो मार्केट में आएगा, ऑब्वियसली 2020 या फिर 2019 के अंत तक मोटो रेजर की प्लानिंग है कि वो इंडिया में आए, क्योंकि मोटोरोला ऑलरेडी टीज कर रही है। अगर वो आता है तो क्या वो भी इतना ड्यूरेबल होगा? वेल ऑब्वियसली फोल्डेबल फोन का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सही हो जाए, अभी थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो जाए तो मेरे को लगता है कि आगे चल के 1 मिलियन तो क्या 10 मिलियन भी बिकेगा फोल्डेबल फोन्स। इस टाइप की प्रॉबेबिलिटी होने वाली, मतलब पॉसिबिलिटी इस टाइप की चीज़ों की है। और मेरे को लगता है कि 2020 में आपको और सस्ते भी देखने वाले हैं, मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सैमसंग कुछ ऐसा प्लान करेगी 1 लाख रुपये के कम में, 1 लाख रुपये से कम में आपको फोल्डेबल फोन मार्केट में देखने को मिले। वेल अगर आपको, जैसे मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग किस कीमत पर फोल्डेबल फोन को देखना चाहोगे, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और अब बात करें एक ओप्पो के प्रोटोटाइप की, तो ओप्पो ने अभी रिसेंटली ऐसा फोन शोकेस किया जो कि हमें फ्यूचर के जो एप्पल के आईफोन है ना वैसा शायद देखने को मिल रहा है, यानी कि एक पोर्टलेस, यानी कि फोन के अंदर कोई भी पोर्ट नहीं, ना हेडफोन जैक है, ना चार्जिंग का पोर्ट है, ना ही फोन के अंदर कैमरे के लिए कुछ है, यानी कि प्रोटोटाइप है जिसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल रहा है। ऐसे कुछ समय पहले वीवो ने किया था, वीवो एपेक्स, वो एक कॉन्सेप्ट फोन था, मीजू ने ऐसा किया मीजू 0 नाम से, और ऑब्वियसली फ्यूचर में आपको इस टाइप के फोन जरूर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कंपनीज है ना वो एसेसरी और दूसरी चीजें होती है ना उनको बेच बेच के उन्हें पैसा कमाना है। ऑब्वियसली ये सारी कंपनी सिर्फ ऐसा इसलिए कर रही है ताकि एप्पल इनसे आगे ना निकल जाए, और उन्हें भी पता है कि सैमसंग एप्पल भी आगे चल के ऐसा करेंगे, लेकिन ओप्पो क्या है कि उसे अपने को ज्यादा इनोवेटिव दिखाना है, और इसीलिए अभी उन्होंने उसका जो प्रोटोटाइप है उसको लॉन्च कर दिया, उसे एक कॉन्सेप्ट फोन को दिखा दिया। प्रोबेबली ऐसा ही कुछ फोन हमें देखने को मिल जाए 2020 में, क्या पता रीनो सीरीज के अंदर, यानी कि जो ओप्पो और जो वीवो है ना ये अपने को भी थोड़ा जो है ना अभी पहले सेल्फी सेंटर दिखाते थे, अब लेकिन अब अपने को थोड़ा इनोवेटिव दिखा रहे कि हम क्या क्या नया कर सकते हैं फोन के अंदर, मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जितना चाहे उतना ज्यादा कर दो फोन के अंदर, जितने होल हटा सकते हेडफोन जैक चार्जिंग पोर्ट सब हटा दो, कैमरा डिस्प्ले के अंदर डाल दो, जितनी भी मतलब एक्सट्रीम होती है ना टेक्नोलॉजी की सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं फोन के अंदर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, और ये देख के लगता है कि आपको फ्यूचर में किस टाइप के फोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या ये ज़माना तैयार है फ्यूचर के फोन्स के लिए? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अभी के समय में वायरलेस चार्जिंग उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं। ऑब्वियसली ओप्पो ने 30 वॉट की वूक चार्जिंग वायरलेस में डेवलप कर ली है, लेकिन अभी भी उसका मैं नहीं पता कि रियल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर बात करें दूसरी चीज़ों की, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, अभी शायद ज़माना तैयार नहीं है, 2-3 साल और लगेंगे, उसके बाद जब एप्पल का आएगा तब लोग उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे। और मेरे को लगता है कि आने वाले 3-4 साल के बाद कुछ ना कुछ ऐसा ज़माना आएगा जिसके अंदर आपको पोर्टलेस फोन है ना ये ऑलमोस्ट कॉमन देखने को मिलेंगे। यानी कि आप लोगों ने कभी सोचा था 2017 की स्टार्टिंग में कि आपको नॉच या फिर कंप्लीटली बेजललेस फोन, पॉपअप कैमरा, पंच होल कैमरा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारी टेक्नोलॉजी आने वाले 2-3 सालों के अंदर देखने को मिलेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि 2017 से लेकर 2019 के एंड तक ये हुआ, तो 2021-22 तक और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। और वहीं बात करें Xiaomi की, तो ऐसा कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि जो Xiaomi है ना वो अपनी फर्स्ट पोजीशन लूज कर सकता है, यानी कि 2017 के एंडिंग से 2019 के एंड तक अभी जो Xiaomi वो नंबर वन है, लेकिन 2020 में कुछ हो सकता है कि जो Xiaomi है वो मार्केट शेयर लूज कर सकता है और शायद सेकंड पोजीशन पे आ सकता है। मेरे को लग रहा है कि Samsung या Realme, वैसे Realme के कम है लेकिन Realme है ना वो Xiaomi को हेड टू हेड कॉम्पिटिशन दे रही है। और जो Realme है ना, सबसे खास बात Realme की लगी कि उन्होंने Xiaomi के एक एक स्ट्रेटेजी को कॉपी पेस्ट किया, जो Xiaomi कर रही है वही करो, यानी कि Xiaomi को उन्हें भी पता है कि Realme के पास जो बैकिंग है वो Oppo की, Oppo टेक्नोलॉजी दे रहा है, Oppo फोन दे रहा है, अब Realme का काम क्या है उस चीज को बेच रहा है, अब कैसे भी बेचे वो बस मार्केट शेयर खाते जाओ Xiaomi का, सीधी बात है Realme का काम ये है कि किसी तरीके से Xiaomi से आगे निकल जाओ, मतलब कि पैसा जो कमाना है ना वो तो उनका Oppo, Vivo, OnePlus है वो सब लोग कमा लेंगे, अगर लुटाने की बात है ना तो Realme। वैसे देखा जाए तो जो Realme है ना वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था, मतलब कि जब Realme 1 आया था ना तो उसमें तो Realme को उन्होंने लोगो भी डिसाइड नहीं किया था कि वो लोगो क्या होगा, मतलब कि जो पहला Realme 1 फोन था ना वो आके हिट हो गया ना, उसके बाद Realme ने सोचा कि इस चीज को आगे लेके हम बढ़ सकते हैं और अच्छा कॉम्पिटिशन हम Xiaomi के Redmi को दे सकते हैं, इसलिए Redmi Realme नाम से ही लगता है। और मेरे को लग रहा है कि Realme है ना बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है और आगे चल के 2020 में कहानी पूरी तरीके से बदल सकती है। वैसे कल देखा तो Realme X2 आने वाला है, अगर उसकी कीमत 20,000 से कम हो गई स्नैपड्रैगन 730G के साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाएगा, मतलब होप करते हैं कि
20,000 तक ही इसकी कीमत रहे। और वहीं बात करें अगर हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी की, तो आप लोगों को पता है कि जोमाटो, स्विगी और ऊबर ईट्स काफ़ी बड़े प्लेयर्स है। और अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि जो इंडिया बिजनेस है ऊबर ईट्स का, उसे जोमाटो एक्वायर करने वाला है। यानी कि जो जोमाटो है ना, वो ऊबर ईट्स इंडिया को खरीद लेगा, उसके बाद जो ऊबर ईट्स होगा वो शायद जोमाटो के अंदर मिल जाए और दोनों एक तरीके से काम करें, या फिर दोनों अलग तरीके से रहे और स्विगी को हराएं। वेल, इस तरीके की कुछ प्लानिंग है और एक इस तरीके की चीज़ आने वाले समय में हो सकती है। और ये देख के लगता है कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला सिस्टम है। वैसे एक बात यह कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल हो गई है, लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। टीयर थ्री सिटीज़ में भी आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी भी बात यह है कि जो जोमाटो स्विगी ने पैसा नहीं बना रहे, पैसा लुटा रहे। और यही एक रीज़न है कि ओबर ईट्स है ना, वो एक साल से ज़्यादा हो गया उसे मार्केट में आए हुए, लेकिन अभी भी वो पैसा नहीं बना पा रहे। शायद इसीलिए बेच रहा, क्योंकि जो बिज़नेस है ना, मतलब बिज़नेस परस्पेक्टिव से बात करो, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। और उम्मीद है कि आगे चल के बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये बात तो हो गई ईद की, और अभी देखते हैं कि क्या रहता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता नहीं है कि आगे चल के इस टाइप की चीज़ सस्टेन कर सकती हैं। वैसे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जोमाटो स्विगी, बस ये मार्केट को भी ढंग से अगर समझ लेना और इसका फ़ायदा उठाने लगे धीरे धीरे, तो कमाल ही हो जाएगा। तो चलो ये तो बात हो गई इसकी, चलिए अब बात करते हैं आपके कुछ कमेंट्स के बारे में। तो पहला कमेंट पूछा आयुष भाई ने, पूछ रहे हैं कि आई एम यूजिंग MI A1 फ्रॉम लास्ट ईयर, आई स्टिल रिमेंबर दैट Xiaomi सेंट एन अपडेट थ्रू विच माई डिवाइस स्टार्टेड टू चार्ज रैपिडली और इट सपोर्टेड फास्ट चार्जिंग, हाउ इट कैन बी डन विदाउट हार्डवेयर कैपेबिलिटीज। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जो MI A1 में जो प्रोसेसर है ना, वो है स्नैपड्रैगन 625, वो सपोर्ट करता है क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग को। अगर Xiaomi को कई बार क्या रहता है कि क्वालकॉम को कई बार रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, जिससे वो फोन के अंदर चार्जिंग को इनेबल कर सकते हैं। यानी कि फोन के अंदर हार्डवेयर है लेकिन वो सॉफ्टवेयर से लॉक्ड है। हो सकता है Xiaomi ने बाद में चल के क्वालकॉम को रॉयल्टी पे कर दी और Xiaomi को परमिशन मिल गई है कि वो अपने MI A1 में फास्ट चार्जिंग डाल सकते हैं, तो एक अपडेट से फास्ट चार्जिंग पॉसिबिलिटी डाली जा सकती है। सिमिलरली मेरे पास Redmi 3S था, उसके अंदर भी यही हुआ था, सॉफ्टवेयर अपडेट का वो भी फास्ट चार्ज होने लग गया था। यानी कि इस टाइप की चीजें होती है कई बार, जब फोन है ना कंपनीज कभी कभी थोड़ा जल्दी लॉन्च कर देती है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन या कई बार परमिशंस नहीं ले पाते इन सब चीजों की, इसलिए कई बार फास्ट चार्जिंग लॉन्च के टाइम देखने को नहीं मिलता, लेकिन 3-4 महीने 6 महीने के बाद अपडेट आता है, उसके बाद चीजें मिलने लगती है। तो ये चीज़ नॉर्मल है और हार्डवेयर है उसके अंदर, कंपनी ने बस सॉफ्टवेयर से उस चीज़ को इनेबल कर दिया। अगला सवाल पूछा राहुल भाई ने, वो पूछ रहे हैं कि भाई वाईफाई राउटर पर लिखा होता है 25 Mbps की स्पीड से चलेगा, बट फोन में कनेक्ट करती 5-6 Mbps से ऊपर स्पीड नहीं जाती। एक्चुअली मैं वाईफाई राउटर के ऊपर जो स्पीड लिखी रहती है ना, जैसे 25, 56, 90 और 100 Mbps, तो ये एक्चुअली लिंक की स्पीड होती है कि जिस स्पीड से जो राउटर है ना वो आपके फ़ोन को डेटा भेजेगा, वो उसकी स्पीड है, वो इंटरनेट की स्पीड नहीं है। और जो इंटरनेट की स्पीड है ना, वो डिपेंड करती है आपके सर्विस प्रोवाइडर पे। अगर आपका इंटरनेट वाला ही अगर 5-6 Mbps का इंटरनेट दे रहा है, तो आपको उतनी ही स्पीड आपको फोन में देखने को मिलेगी, भले ही राउटर आप 50, 100, 1000 Mbps वाले क्यों ना लगा ले, आपको स्पीड उतनी ही देखने को मिलेगी। और एक और ये है कि कई बार जो राउटर पे जो स्पीड होती है ना, वो मेगा बिट्स में होती है, बाइट्स में नहीं होती। और फोन के अंदर कई बार हम देखते हैं ना स्पीड, तो हमें बाइट्स में दिखाई देती है, तो ऑब्वियसली फोन में जितनी स्पीड दिखाई दे रहे हैं ना, उसे आप 8 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर कंपेयर कर सकते हैं स्पीड को। वैसे जनरल रूल ये है कि वाईफाई पे जो स्पीड लिखी है ना, वो ही स्पीड मिले ऐसा जरूरी नहीं है, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो स्पीड प्रोवाइड करता है ना, वो ज्यादा जरूरी रहती है। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि आपको आपके सवालों के आंसर मिल गए होंगे। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन खुलाओ, को जो पूछना पूछ सकते। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।